ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जो कि आपकी मनोकामना को देखते ही देखते पूरी कर देगा। ये कुछ ऐसा है जो कि क्षण भर में आपके बिगड़े हुए काम बना देगा। बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि गुरु जी कुछ ऐसा दीजिए जो कि बस एक बार में ही लग जाए, बस एक बार कर दिया जाए और काम हो जाए। तो लाखों रुपए देने के बाद भी कोई तांत्रिक आपको इस यंत्र के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अनूठा यंत्र देने वाला हूं जो कि मोहिनी लगाने में आपकी बहुत बड़ी सहायता करने वाला है। अगर ये यंत्र किसी पर लगा दिया जाए तो सामने वाला देखते ही देखते आपकी ओर खिंचा चलाएगा। इस मंत्र को, इस यंत्र को प्रेत मोहिनी यंत्र कहा जाता है। यदि किसी पर किसी भी तरह से ये क्रिया कर दी जाए तो वो उठते जागते बस आप ही का नाम लेगा। बहुत प्राचीन विधि है और बड़ी मुशक्कतों के बाद ये आप तक मैं पहुंचाने में कामयाब हुआ हूँ, वरना इसको बताने की मनाही थी। और पब्लिकली भी मैं इस यंत्र को नहीं बताऊंगा। जो भी चाहता है इस साधना को करना वो इस यंत्र को मुझसे प्राप्त कर सकता है। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा कि मुझे प्रेत मोहिनी यंत्र चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। अब करना क्या है आपको, रात्रि के 12 बजे जब अमावस हो या पूर्णिमा हो उस रात में आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। किसी जंगल, किसी गुफा, किसी वन में जाकर इसका निर्माण करना है। यंत्र का निर्माण करने के बाद इसके पीछे अपने साथी और अपना नाम इस पर लिखना है और अपने साथी का नाम लिखना है। इसके बाद इसको शुद्ध शहद के भीतर बंद करके रख देना है कांच की शीशी में। अगर बड़ी बॉटल हो कांच की या फिर कोई और चीज़ हो, बस ऐसा हो कि इसको बंद, ऊपर से ढक्कन लग जाए, ऐसी किसी चीज़ में इसको बंद करके रखिए और इसको उसी जगह पर गाड़ दीजिए। याद रहे जब आप ये क्रिया कर रहे हों उस समय आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं ये एकांत में आती हैं और जब दो आदमी एक साथ होंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी किसी यंत्र का निर्माण करें तो उस समय आप अकेले हों। ये सिर्फ इसी यंत्र में नहीं, जब भी आप कोई यंत्र बनाए तो आपको अकेले रहना है, एकांत में जाना है। और जब ये यंत्र बन जाए तो गड्ढा खोद कर उस शीशी को उस गड्ढे में रख दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। इसके बाद बिना पीछे मुड़े आपको घर आ जाना है। घर आकर आपको क्या करना है कि 21 दिनों तक थोड़ी थोड़ी हल्दी, थोड़ा थोड़ा नमक डालकर आपको नहाना है। ये क्रिया 21 दिनों तक आपको करनी है और यकीन मानिए 21 दिनों के भीतर भीतर वो जो भी आपका साध्य है, जो भी है, वो आपके कदमों में आ गिरेगा। मैंने तो ऐसा भी देखा कि जो पहले ही दिन से असर दिखाना ही शुरू कर देता है, बस आप यहाँ लगाएंगे और अगले ही दिन आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मैं कहूँगा कारगर यंत्र है ये। एक बार यदि किसी पे लगा दिया जाए तो वो आप ही के घर से पानी भरेगा। तो जिसको भी ये यंत्र चाहिए वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकता है। और बहुत ही सरल साधना है, कोई भी इसको कर सकता है। और याद रहे इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप मांस मदिरा का जो है सेवन बंद कर दें। यदि आपको इसकी लत है तो आपको ये बंद करना होगा। अपने आप को सात्विक कीजिए। अगर सात्विक नहीं करोगे तो फिर आगे मत कहना कि इस चीज़ ने काम नहीं किया। अपने आप को स्वस्थ कीजिए, सात्विक कीजिए, अपने विचारों को पवित्र कीजिए। उसके बाद इन षटकर्मों में आप हाथ डालिएगा, क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं, मीट मछली खाते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको पवित्र होना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें काम करेंगी। दूसरा है, आपको जब भी आप इस साधना में जाएं, जैसे आज आपने यंत्र बना लिया, तो अगले दिन से रोज़ सुबह आपको जल्दी उठना है।
प्रातःकाल उठकर क्लीम मंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना है। उसके बाद ये जो 21 दिन होंगे इनमें आपको प्रभु का स्मरण करना है, जितना अधिक हो सके भजन कीर्तन में अपना जो समय है वो व्यतीत करें। इसके बाद आप देखेंगे कि चमत्कार हो गया आपकी लाइफ में, जिस तरह का चमत्कार आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही आपके सामने हो रहा है। और ये सब करेगा वो यंत्र। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो 999-284-1625 पर। धन्यवाद।